कातरीना सिर पर पारंपरिक साफा बांधकर सर्किट जोड़ने की क्लास करने निकलती हैं। जब इस बोर्डिंग एकेडमी में आई थीं तो पेचकस चलाना भी नहीं जानती थीं। अब वो बिजली के उपकरणों की मरम्मत करती हैं। ग्रामीण ग्वाटेमाला की बहुत सी महिलाओं की तरह वो स्कूल नहीं जा पाईं। वो जो भी यहाँ सीख रही हैं उससे रोमांचित हैं। मुझे जो भी सिखाया जा रहा है वो सब कुछ सीख लेना चाहती हूँ। मेरी नज़र सही नहीं थी तो मुझे चश्मा दिया गया, उससे मदद मिलती है। पहले कभी स्कूल नहीं जा पाई, कभी पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन अब आखिरकार ये काम सीख रही हूँ। ट्रेनिंग एकेडमी बादजुल में है, ग्वाटेमाला सिटी से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल एनजीओ इसे चलाता है। भारत का ये एनजीओ महिलाओं को सौर इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग देता है। प्रोग्राम में 23 महिलाएं शामिल हैं। अकेली और विधवा महिलाओं का आना आसान होता है क्योंकि जिनके पति हैं वे उन्हें आने से मना करते हैं। फोकस महिला सशक्तिकरण पर है। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाता है जिनके बारे में उन्हें अक्सर पता नहीं होता। हम लोग वित्तीय शिक्षा से जुड़े विषय उठाते हैं, फैमिली बजट बनाने से लेकर छोटे उद्यमों के लिए बिजनेस प्लान बनाने तक। विषयों में महिलाओं की देखरेख और स्वास्थ्य भी शामिल है। वो खुद को सामुदायिक लीडर की तरह देखने लगी हैं, निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले रही हैं, घर और बाहर दोनों जगह। बोर्डिंग स्कूल का जीवन महिलाओं को नए और रोमांचक अनुभव देता है। बहुत सी महिलाएं अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इससे यहाँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि शिक्षण सामग्री काफी विजुअल है। खुआना ने 6 महीने भारत में इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ली। दुनिया भर की महिलाओं के साथ उन्होंने अपना कोर्स किया। काम सीखकर सभी महिलाएं अपने घरों को लौट गईं। खुआना स्थानीय एक्सेल भाषा में सिखाती हैं। मुझे अच्छा लगता है उन्हें ये सब सिखाना, सोल्डर करना, लैंप बनाना, कंट्रोलर चार्ज करना और लैंप जलाना। हम ये सब सिखाते हैं, फिर अगर गड़बड़ी आए तो वो चीजों की मरम्मत खुद करना सीख जाती हैं। दूर दराज के इलाकों में ये योग्यताएं बहुत जरूरी हैं, जहां किसी इलेक्ट्रीशियन का पहुंचना मुश्किल है। जसिंता उस गांव से हैं जो जानता है कि उनके नए कौशलों से समुदाय को फायदा होगा। जब वो काम पर रहती हैं, पड़ोसी बच्चों का ध्यान रखते हैं। यहाँ काम सीख रही युवा माओं को सोलर ममास कहा जाता है। घर लौटकर वे न सिर्फ ऊर्जा के लिहाज से आत्मनिर्भर हो जाती हैं, बल्कि लड़कियों और किशोरियों के लिए रोल मॉडल भी बनती हैं। मुझे यहाँ पर रहना, दूसरी महिलाओं के साथ घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, औरतें भी कुछ पाने की ताकत रखती हैं, बशर्ते उन्हें सीखने का मौका मिले। हम औरतों को अपनी अहमियत समझनी चाहिए। आत्मसम्मान की नई भावना के साथ महिलाएं ट्रेनिंग पूरी करके निकलती हैं। सौर ऊर्जा के बारे में जान समझकर वे अपने समुदायों के हालात में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हुई हैं। साफ और अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव में मदद करते हुए वे ग्रामीण लोगों को स्वावलंबी बनने का प्रोत्साहन भी दे रही हैं।